इधर उज्जैन से खबर, जहां मोबाइल ब्लास्ट से मौत के मामले में अभी भी साफ नहीं हुआ है। मौके से सुरक्षित बैटरी मिली है तो मामला अभी भी उलझा हुआ है। पुलिस को मौके से काला तरल पदार्थ भी मिला है। काला तरल पदार्थ जांच के लिए भेज दिया गया है। बड़नगर के समीप रतलाम रुनेझा मार्ग का ही पूरा मार्ग मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, मौके से जो बैटरी है वो सुरक्षित मिली है। यहाँ कहीं ना कहीं अनुमान लगाए जा रहे थे कि बैटरी फटी होगी और ऐसे में मोबाइल ब्लास्ट हुआ। हाई हीटिंग की वजह से, ओवर हीटिंग की वजह से ये ब्लास्ट हुआ, लेकिन अभी भी गुत्थी सुलझी नहीं है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मोबाइल से हमारी एफएसएल की टीम ने उसका निरीक्षण किया है और सारी तरह की जो वैज्ञानिक साक्ष्य है उनका संग्रहण किया गया है। साथ ही साथ जो परिस्थितियाँ हैं, जो क्योंकि वो अकेला रह रहा था, वहाँ पे बढ़ा रहता था, उसके अलावा कुछ उसके जो काम है, उस काम में वो क्या था, इसके अलावा जो भी विवाद है उन सबको हम जान सकते हैं। अभी हम इसको प्रथम दृष्टया जो बात सामने आएगी इसको हम आपके मोबाइल यूज करेंगे, लेकिन अब हमारा बहुत कुछ डिपेंड करेगा जो हमारी एफएसएल के लिए जानकारी लेंगे। हमारे साथ सहयोगी संतोष कृष्णानी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, एक नया ही एंगल इस मामले में देखने को मिल रहा है। जहां ओवर हीटिंग की वजह से अनुमान लगाया जा रहा था कि ब्लास्ट हुआ होगा, लेकिन अब एक अलग पहलू। बिल्कुल प्रगति, बताना चाहेंगे जिस प्रकार जो कल बड़नगर में मोबाइल विस्फोट के कारण एक दयाराम जो मौत दर्दनाक हुई थी, उसमें एक नई गुलसी उलझते जा रही है, क्योंकि इसमें आसपास के रहवासी और उनके जो नाती ने उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की थी इसकी सत्यता जो निष्पक्षता से जांच की जाए। इसीलिए पुलिस अधीक्षक ने खुद कल स्पेशल टीम रतलाम को वहां से भेजा था, उसके बाद जांच की थी। जांच में कई ऐसी बैटरी जो मोबाइल की मिली थी वो बसल जी ने कल खबर पे दिखाया भी था कि मोबाइल तो फटा है लेकिन उसकी जो बैटरी है वो सही सलामत मिली है। तो कहीं ना कहीं एक आशंका व्यक्त हो जाती है कि मोबाइल अगर फटा है तो बैटरी कैसे सुरक्षित मिली है। तो इसके कई ऐसे पहलू मिले हैं और उनके जो नातिन ने भी सवाल उठाया था कि अगर बैटरी मोबाइल जो फटा है तो उसकी बैटरी कैसे सुरक्षित मिली है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल खड़े होते हैं, जिस प्रकार जो ब्लास्ट के कारण दर्दनाक मौत हुई थी, तो ऐसे अगर मोबाइल पूरी तरीके से फटता है तो बैटरी आखिर कैसे सुरक्षित मिली है। इसके आखिर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं और आसपास के रहवासियों ने भी पुलिस प्रशासन से निष्पक्षता की मांग की थी। और जांच के आदेश के बाद पुलिस अधीक्षक ने जैसे एफएसएल टीम को कहा था, तो एफएसएल की टीम ने जांच वहां की है और जांच की रिपोर्ट जल्द ही पेश होगी, उसके बाद ही खुलासा हो सकता है कि जो दयानंद की मौत हुई वो किस कारण हुई है। ठीक है संतोष, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।